Assalamualaikum students, welcome again. मेरा जो दूसरा लेक्चर है आज का वो है uses of modulus. तो इससे पहले मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि modulus क्या होते हैं और क्या क्या modulus हैं, commonly used modulus जो है English language में वो मैंने बताए, और अब उनका इस्तेमाल भी बताया, लेकिन अब examples के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडल्स क्या क्या है. पहला जो मॉडल अगर हम लेंगे वो है कैन. वो है कैन. कैन में क्या होता है, एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, कैपेसिटी, ये चार चीजें आती है. तो एग्जांपल अगर हम देंगे, ही कैन डू दिस हैवी पीस ऑफ वर्क. ही कैन डू दिस हैवी पीस ऑफ वर्क, दैट इज एबिलिटी, दैट इज हिज एबिलिटी. देन यू कैन यूज माय कार provided it is used well. ठीक, that is permission, that is वहाँ पे हम capacity भी कह सकते हैं, वो capacity के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ability के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. She can have what she needs. She can have what she needs. That is probability. That is probability. This इसके बाद है could. Could जो है ये polite requests के लिए इस्तेमाल होता है. जैसे हम लिखते हैं Could you help me? Could you help me? Could you help me? Yeah. Could you carry the box, please? Could you carry the box, please? इसके लिए हम could का इस्तेमाल, model could इस्तेमाल करते हैं इन ऐसे sentences के लिए जब हमें request करनी हो. इसके बाद हम may. It indicates permission, possibility, wish. तीन चीजें आती हैं इसमें, permission, possibility और wish. तो अगर हम sentence में देखेंगे कि permission क्या है, हम देखेंगे मे आई यूज योर टेलीफोन, मे आई यूज योर टेलीफोन, या मे आई यूज योर पेन. ठीक है, तो इसको कहते हैं परमिशन. इसको क्या कहते हैं, परमिशन. या हम कहेंगे इट मे रेन, इट मे रेन, ये पॉसिबिलिटी होती है. इट मे रेन, हम बाहर देखेंगे आसमान पे बादल है, हम कहेंगे इट मे रेन, इट मे रेन, तो ये पॉसिबिलिटी है. इसी तरह विश भी होता है. मे हाज बी अ रोरिंग बिजनेस, मे हाज बी अ रोरिंग बिजनेस, या ये होता है विश, ये होता है विश. तो इसके बाद है माइट. इसके बाद है इफ मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, माइट इज यूज्ड. इफ मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस, अगर मेन वर्ब सेंटेंस का वो पास्ट टेंस में हो तो हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ठीक, थॉट आया दैट ही माइट सक्सीड, दैट ही माइट सक्सीड. जब थॉट आया तो इसके बाद जो मेन वर्ब है वो थॉट है, तो इसके बाद हमने माइट का इस्तेमाल किया. तो इसमें भी पोलाइटनेस है, तो हम लिखेंगे माइट आई यूज योर बाइसिकल, माइट आई यूज योर बाइसिकल, तो ये पोलाइटनेस के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं माइट. तो इसके बाद है शल और विल. पहले हम शल लेंगे, फर्स्ट पर्सन, शल फर्स्ट पर्सन के लिए, आई शल, तो ही शल, शी शल, तो इसके साथ इस्तेमाल हम कर देंगे. विल विद थर्ड पर्सन, विल का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन के साथ, डिनोट सिंपल फ्यूचर, ठीक है, तब हम विल का इस्तेमाल करते हैं. हम लिखेंगे आई शल गो दिया टुमारो, आई के साथ क्या आता है, शल, आई शल गो दिया टुमारो. विल, यू विल गो टू द मार्केट, यू विल गो इन थर्ड पर्सन, यू विल गो टू द मार्केट. तो इसी तरह है बी में, शल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन शूज, शल अगर हम लेंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए, तो हम ये यहाँ पे क्या आता है, कमांड आती है, थ्रेट आता है, प्रॉमिस आता है, डिटर्मिनेशन आती है और सर्टेनिटी. अगर हम कमांड लेंगे तो यू शैल नॉट एंटर द क्लास, ये कमांड है, यू शैल नॉट एंटर द क्लास, ये क्या है, कमांड है. अब थ्रेट, अगर यू शैल बी मार्क्ड एब्सेंट, यू शैल बी मार्क्ड एब्सेंट, दैट इज थ्रेट, दैट इज थ्रेट. अब अगर प्रॉमिस है, मैं देखना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे इफ यू आर ऑनेस्ट यू शैल बी रिवॉर्डेड, ये प्रॉमिस है. इफ यू आर ऑनेस्ट यू शैल बी रिवॉर्डेड. इस तरह डिटर्मिनेशन, यू शैल डू इट, यू शैल डू इट, यू शैल डू इट. इसके बाद है सर्टेनिटी, इफ यू आर केयरफुल यू शैल डू इट, इफ यू आर केयरफुल यू शैल डू इट. फिलहाल जो ये है, ये पांच ये मैंने अभी आपको बताए, अब जो बाकी हैं मस्ट हैं, ऑटो हैं जैसे हैं, और बाकी जो कॉमनली जो यूज मॉडल्स हैं, जैसे शुड नॉट है, डियर हैं, तो नीड नॉट है वगैरह, तो इनका भी हम इसी तरह मैं आपको अपलोड करके भेज दूंगा. तो शुक्रिया आपका.